हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलिएशन फार्मूला फॉर अन इक्वल इंटरवल्स जब इंटरवल्स जो है इक्वल नहीं होता है यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन जब वो इक्वल नहीं होता है तब जो है हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलियेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट में क्या है लेट एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन सो ऑन अप टू एफ ऑफ एक्स एन बी द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स करेस्पोंडिंग टू द एन प्लस वन आर्क्यूमेंट्स सो ऑन अप टू एक्स नॉट ने Equally spaced, then f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught, first divided difference of f of x naught plus x minus x naught into x minus x1, second divided difference of f of x naught plus so on x minus x naught into so on up to x minus xn minus 1. एंथ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स नॉट है वो फंक्शन है आर्ग्यूमेंट एक्स नॉट का एफ ऑफ एक्स वन जो है वो फंक्शन है आर्ग्यूमेंट एक्स वन का एंड सिमिलरली एफ ऑफ एक्स एन जो है वो फंक्शन है आर्ग्यूमेंट एक्स एन का यहाँ पे कितने वैल्यूज है वन से लेके एन और यहाँ पे नोट हुआ तो एन प्लस वन वेल्यूज है ठीक है तो हम ये सपोज करते हैं कंसिडर हैं और ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है यानी कि एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन अपन का टू फोर सिक्स तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन सारे नंबर्स के बीच में टू का फर्क है नाउ अगर जो x का वैल्यू है वो वन टू फोर नाइन ऐसे प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में ये है स्टेटमेंट कि अगर एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स एन जो है वो फंक्शन है एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन का रिस्पेक्टिवली जो कि इक्वली स्पेस नहीं है तो एफ जो है वो इसके बराबर होगा एफ़ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा एफ़ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एंड सिमिलरली यहाँ पे एंथ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट दिया है ये जो है वो है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलियेशन फार्मूला फिर उसके बाद आता है प्रूफ इस फार्मूला को हम कैसे प्रूफ करेंगे बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉटिवाइडेड डिफरेंस जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट का वो बराबर आता है पहले हम एक्स को नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस फिर उसके बाद जो लास्ट पे टर्म है उसको नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जो बड़ा टर्म है दैट इज़ एक्स नॉट माइनस एक्स अगर हम इन दोनों टर्म का साइड चेंज करेंगे एंड ऊपर वाले दोनों टर्म का साइड चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस और माइनस कैंसिल तो ये जो है वो इस टर्म के भी बराबर आता है एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट तो डेफिनेशन के मुताबिक जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है एक्स और एक्स नॉट का वो इस टर्म के बराबर आता है फिर उसके बाद हमें क्या करना है इस टर्म को इधर मल्टीप्लीकेशन में डालना है पुट किया है x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ठीक है फिर उसके बाद जो है हम ये जो टर्म है जो माइनस साइन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे उसका हम साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे हुआ है प्लस और ये टर्म आएगा दिस टर्म तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इस टर्म के बराबर होगा और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे जो एफ ऑफ एक्स है वो इस टर्म के बराबर आएगा एंड उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे फिर उसके बाद हमें निकालना है एफ़ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन जो कि बराबर आता है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स पहला जो टर्म है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन माइनस करना है लास्ट टर्म को नेगलेक्ट करना है पहले को लिखना है तो आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट और जो सबसे हाईएस्ट टर्म है दैट इज़ एक्स वन माइनस जो लोएस्ट टर्म है दैट इज़ एक्स आएगा डिवाइड में तो ये हमने किया है और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं इस टर्म को पहले इसको बाद में इसको पहले इसको बाद में हम लिख सकते हैं तो वही लिखा है और एफ़ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कामा एक्स वन जो है वो आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स एक्स माइनस एक्स वन फिर उसके बाद हमें क्या करना है ये जो डिवाइड में टर्म है उसको इधर मल्टीप्लाई करना है किया है दैट इज इज इक्वल टू दिस टर्म फिर उसके बाद हमें ये जो नेगेटिव टर्म है उसको इस वाले साइड लेके जाना है तो हो जाएगा प्लस तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस टर्म एफ ऑफ एक्स नॉट कामा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन ठीक है फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है उसको हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करना है तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट है जो कि हमने अभी निकाला था तो उसको हमें पुट करना है इधर ठीक है एंड जब हम जो एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड जिसी मैनर में अगर हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो एफ़ ऑफ एक्स हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स नॉट x माइनस एक्स नॉट यहाँ पे किया है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट फिर x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन और ये जो है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स नॉट का तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट्स में इस सिंबल का नाम जो है ज़रूर लिखिए मैंने गूगल पे सर्च किया पर मुझे पता नहीं चला कि इस सिंबल का नाम क्या है तो ये जो डेल्टा क्रॉस सिंबल है वो जो है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है जब हम स्क्वायर करेंगे इसको रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम लिख सकते हैं एंड सिमिलरली उसी तरीके से x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक हमें लिखना है और यहाँ पे nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नाट आएगा और ये जो है फार्मूला है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलियेशन फार्मूला है ये एंड इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे सिंस एन प्लस वन वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स आर गिवन हमने पहले देखा जो एन प्लस वन वैल्यूज़ है वो दिया था तो ये जो एनथ प्लस वन डिवाइडेड डिफरेंस है उसका ज़ीरो होगा तो यहाँ पे हमने एंथ प्लस वन हम कंटिन्यू कर सकते थे एन प्लस वन डिवाइडेड डिफरेंस कर सकते थे फिर एन प्लस टू डिवाइडेड डिफ्रेंस कर सकते थे लेकिन यहाँ पर लिखा है जब एन प्लस वन वेल्यूज दिया होता है एफओवेक्स का तो जो एन प्लस वन डिवाइडेड डिफरेंस होता है एफओवेक्स का वो जीरो के बराबर होता है तो इसके बाद जितने भी टर्म्स है वो जीरो आएगा तो ये हमारा हो गया फार्मूला फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड द मिसिंग टर्म बाय यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है जो कि हमने अभी किया है उसको यूज़ करके हमें जो मिसिंग टर्म है दैट इज़ हियर उसको निकालना है एक्स का वैल्यू है ज़ीरो वन टू थ्री फोर और यहाँ पे हम जो है क्लियरली देख सकते हैं इक्वली स्पेस्ड है बट इट डजेंट मैटर जब हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये जो डिस्टेंस ये जो पॉइंट्स है वो इक्वली स्पेस्ड है या नहीं है और वाई का वैल्यू भी दिया है जब एक्स ज़ीरो होता है तब वाई वन होता है जब एक्स वन होता है तब वाई थ्री होता है जब एक्स टू होता है तब वाई नाइन होता है एंड जब एक्स थ्री होता है तब वाई कितना होता है उसका वैल्यू हमें पता नहीं है एंड जब एक्स फोर होता है तब वाई का वैल्यू एटी वन होता है तो यहाँ पे जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है वो दिया है सबसे पहले x नॉट को हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे और x वन को हम वन कंसिडर करेंगे x टू को हम टू कंसिडर करेंगे और x थ्री को हम फोर कंसिडर करेंगे ये जो टर्म है उसको हम टेबल में नहीं लिखेंगे क्योंकि y का वैल्यू नहीं दिया है ठीक है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पे टेबल पे लिखेंगे फिर उसके बाद हमें जो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए हमें करना है थ्री माइनस वन जो कि यहाँ पे किया है डिवाइडेड बाय वन माइनस ज़ीरो और वो बराबर आता है टू के एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है नाइन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस वन दैट इज़ इज़ टू सिक्स यहाँ पर लिखा है एंड उसी तरीके से एटी वन माइनस नाइन डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू वो बराबर आता है थर्टी सिक्स के तो ये हमें मिला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल जिसको हमें इन टर्म्स के बीच में लिखना है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे फिर उसके बाद जो है हम करेंगे सिक्स माइनस टू ये जो दो आंसर है डिवाइडेड बाय ये ये जो वैल्यू है एक्स का हमें उसका यूज़ करना है टू माइनस जीरो दैट इज़ इज़ टू टू फिर उसके बाद थर्टी सिक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस वन जो कि बराबर आता है टेन के तो हमें मिल गया ये टेबल फिर उसके बाद हमें करना है टेन माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर माइनस ज़ीरो तो हमें मिलता है टू फिर यहाँ पे जो है एक ही टर्म है तो टेबल जो है वो यहीं पे ख़त्म होगा कितने टर्म्स दिया है फोर्थ टर्म्स दिया है तो ये जो ऑपरेटर पावर फोर एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो के बराबर होगा जो कि हमने पहले किया था जब हम प्रूव कर रहे थे फार्मूला को ठीक है तो यही तक आएगा टर्म इन टर्म्स का दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट ओके एंड दिस इज डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट है ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स नॉट का और ये जो है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स नॉट का तो ये जो टर्म्स है जो कि टू है एंड एफ ऑफ एक्स नॉट वन है इन टर्म्स का जो ऊपर टर्म्स है सबसे टॉप पे टर्म्स है टेबल में उसका यूज होगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में तो यहाँ पे यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला दिया है जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है वो बराबर आता है एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ़ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ़ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट ठीक है हमें एक्स को निकालना है X minus x not x minus x one x minus x two third थर्ड difference of f ऑफ x not इसके बाद जो टर्म्स है वो सारे जीरो आएगा तो यहाँ पे हम f of x निकालेंगे f of x में सबसे पहले f of x नॉट का value पुट करना है जो कि one है x minus x not zero के बराबर है और ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो two है टेबल में two था एंड उसी तरीके से यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू जो कि जीरो है और एक्स वन का वैल्यू जो कि वन है और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू जो कि टू है उसे पुट किया है एंड सिमिलरली यहाँ पे एक नॉट के जगह पे ज़ीरो एक्स वन के जगह पे वन एक्स टू के जगह पे टू जो कि हमने टेबल में किया था और जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है वो टू के बराबर है उन वैल्यूज को हमने पुट किया है फिर उसके बाद क्या करना है उसको सॉल्व करना है टू इंटू एक्स माइनस जीरो हो एक्स माइनस ज़ीरो होगा एक्स तो टू इंटू एक्स होगा टू एक्स एंड उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा यहाँ पे टू एक्स तीनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं तो टू एक्स कॉमन में निकाला है अंतर जो बचा है उसको हमने ब्रैकेट में रखा है एन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यह टर्म मिला है ठीक है माइनस वन और प्लस वन कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई करके हमें ये चार टर्म मिला एक्स जो है वो पहले था एंड उसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस और प्लस कैंसिल होगा तो ये वाला टर्म जो है वो बचेगा बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है फिर टू एक्स से जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है तीन टर्म है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो एफ़ ऑफ एक्स बराबर आता है इस टर्म से तो जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है उसको यूज़ करके हमें एफ़ ऑफ एक्स जो है वो इस टर्म के बराबर मिला नाउ एक्स थ्री का वैल्यू हमें पता नहीं था वो जो है मिसिंग था टेबल में तो एफ ऑफ थ्री हमें कैसे निकालना है इस एफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ थ्री पुट करना है यानी कि एक्स के जगह पे थ्री पुट करना है तो हमें मिलेगा एफ ऑफ थ्री जो कि बराबर आता है थर्टी वन के और जो मिसिंग टर्म है टेबल में दस इस थर्टी वन तो हमें पता चला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करके जो मिसिंग टर्म है टेबल में वो थर्टी वन है और वो हमारा आंसर है